हेलमेट किधर है सर जी? हेलमेट सोवेल। हेलो नमस्ते, सवाल कुमार बहुत खुश आमदीद। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एच आधार। एंड मैं निकला हूँ आपका अपना पीछे का टायर्स चेंज करने के लिए, बिकॉज हुआ कुछ ऐसा है कि मेरा पीछे का टायर्स टोटली घसड़ चुका है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू चेंज एंड आई एम गोइंग गेट अ न्यू वन टुडे फॉर माई बाइक। ओ बस वाले मियाँ क्या करती है तुम। सो बेसिकली अभी मैं जा रहा हूँ 80 रोड बाइकर्स जोन, जहाँ से मैं यूजुअली अपना काम वाम कराता हूँ। सो वहाँ जाके आई विल गेट माई यू नो टायर्स इंस्टॉल्ड एंड फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। चलो फाइन। Visors down, बहुत धूल उड़ रहा है। नो चांसेस ऑफ यू नो ईटिंग धूल ओवर हियर। ऑलरेडी डेफिशिएंट पे चल रहा हूँ। बेसिकली सर्विसिंग टाइम इज कमिंग 1771 किलोमीटर्स के बाद सर्विसिंग करना पड़ेगा। और राइट नाउ एसआर दाइम इज टोटली बीरोक बीरोक बिकॉज एसआर दाइम इज अ स्टूडेंट एंड एसआर दाइम डजंट गेट्स एनी लाइक एक्स्ट्रा इनकम अदर देन हिज पॉकेट मनी फ्रॉम हिज मदर। सो राइडिंग गेयर्स टायर्स एवरीथिंग इज टू मच यू नो एक्सपेंसिव फॉर मी। बट एनी वेज मीन वाइल अपन मज़ा ले रहा है किस चीज़ का, वो है फिल्टर करने का। और फिल्ट्रेशन में मज़ा नहीं छोड़ने का, सीधी सी बात है। बेसिकली आई हैव दिस यू नो मेरा आदत है, मैं ट्रैफिक को फिल्टर ही करता हूँ बिकॉज आई कांट कीप ऑन अटकिंग एंड गोइंग। मैं ट्रैफिक फिल्टर कर लेता हूँ। फाइनली पहुँच गए हमारे बिजॉय मियाँ के घर का गली, नॉट घर। और मेरा और बिजॉय का ऐसा एक रिश्ता है ना, लाइक मेरा बिजॉय और मेरा बाइक का, कि मैं जब भी उसका घर पहुँचता हूँ आई डोंट हैव टू कॉल हिम और समथिंग, वो अपने आप आ जाता है। ये देखो मैं बोला था ना, मेरा बिजॉय और उसका ऐसा एक रिश्ता है, मैं कॉल नहीं किया फिर भी वो पहुंच गया। हाँ नहीं नुहमा 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 मैं ज़्यादा देरी हो ऐसा है नुहमा। और हमारा बिजॉय मियाँ ने बाल काट लिया है। बिजॉय मियाँ बन गया तकला मियाँ। नहीं एक्चुअली नहीं पता इसका दिमाग में क्या क्या चलते रहता है। अचानक से इसके दिमाग में क्या कैसा चलेगा आपको नहीं पता चलेगा। वो कुछ ऐसा काम कर देगा जो आप अनएक्सपेक्टेड रहेगा। इतना अच्छा खासा बाल उगा के रखा था सर पे, नहीं काटना है काट दिया। उसका पीछे का स्टोरी मैं आपको बोलता हूँ, रुको बाइक पे बोलूँगा जब जा रहे होंगे। एनीवेज मैं जो इसका बोल रहा था ना बाल काटने का, मैं आपको आगे बोलता हूँ, अभी बोलूँगा तो मार खाऊंगा मुझे पता है। और नहीं 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 चल बाय बाय बोलता हूँ ना, ये व्लॉग भी देखेगा। बाय बाय बाय। तो बेसिकली जो मैं बोल रहा था ना इसका बाल काटने का, एक्चुअली जस्ट जोकिंग। हम लोग इसको ग्रुप में बहुत चिढ़ाते हैं कि ये 100 kg स्क्वाट्स नहीं कर पाते, बट हाँ आज ही हैज़ ऑलरेडी टच्ड 100 kg रिसेंटली उसने 100 kg टच कर दिया है। बट यू नो भैया मैं हम लोग लाइक उसको ऐसे ही चिढ़ाते हैं कि वो ज़्यादा स्क्वाट्स नहीं कर पाता है, सो ही इज़ नॉट इन आवर ग्रुप एंड ऑल। तो इसीलिए सदमे में आके बाल काट दिया, नथिंग लाइक दैट। उसका मन करता है तो कभी कभार ऐसा कर लेता है एंड इट्स एवरीथिंग, एवरीवन हैज़ देयर ओन यू नो पर्सनल यू नो पर्सपेक्टिव यू नो पॉइंट ऑफ व्यू। सो उसको जो अच्छा लगेगा ऑब्वियसली ही विल डू दैट। आई डोंट नो सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, नहीं पता क्यों हो रहा है ये चीज़, बट बहुत ज़्यादा गंदा वाला सर दर्द हो रहा है। आई एम यू नो हैविंग एक इन माई दिस साइड यू नो लेफ्ट हैंड साइड एंड पूरा सर पे पकड़ रहा है। आई डोंट नो भाई, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है आज। हेलमेट के अंदर जब वाइजर्स डाउन करके आप ऐसे बाइक चलाते हो नॉल ना, इट्स क्वाइट यू नो सफोकेटिंग। एंड इवन यू नो मेरा बिकॉज ऑफ दिस चिन माउंट मेरा जो वेंटिलेशन है सामने का इट इज़ क्लोज्ड, तो जो एयर है बाहर से अंदर होना इट इज़ नॉट दैट यू नो सही से होता नहीं है, जिसकी वजह से मैं यूजुअली अपना वाइजर ओपन रखता हूँ। बट यू नो बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है। सो पहुँच गए डेस्टिनेशन एंड जिसका मैं बात कर रहा था बाइकर बाइक जोन, भैया इधर है। मैं पहले भी आप लोग अपने व्लॉग में दिखा चुका हूँ बट आज फिर से। अरे गुड मॉर्निंग, ये है वो है, चलो मिलाता हूँ उन लोग से। फाइनली इन द डेस्टिनेशन, मैं जो बोल रहा था बाइक जोन एंड ये भैया है और वो भैया है जो फ़ोन में भी बिजी है। एंड मैं जो रुबुलदा का बात कर रहा था, ये है रुबुलदा
तो बेसिकली आप अगर इधर आते हो 80 रोड ब्रिज पहुंचने से पहले ही लाइक द फर्स्ट लेफ्ट घुसते ही साथ पहला शॉप है। मैं इधर लाइक आई हैव कवर्ड वन ब्लॉग बिफोर ऑल्सो, मैं पहले भी एक ब्लॉग कर चुका हूँ इधर, बट हाँ इधर आ सकते हो, होलसेल मार्केट है, अच्छा खासा डिस्काउंट में कर देंगे एंड क्वाइट फ्रेंडली। एंड हमारे रुबुलदा बहुत सारे बाइक का काम करते हैं, मैं तो अपना बाइक रुबुलदा से ही छुआता हूँ बाहर और कहीं नहीं अदर देन शोरूम लाइक सर्विस सेंटर, रुबुलदा ही छूते मेरे बाइक को और लाइक पहला इवन क्वीनी को भी मैं इनसे ही काम करवाता था। एनीवेज दिस इज बाइक जोन, आई विल जस्ट शो यू, दिस इज द शॉप। आप इधर से आते हो तो फर्स्ट लेफ्ट एंड दिस इज द शॉप, तो यू कैन कम हियर एंड बाइक करा सकते हो। बेसिकली आई विल शो यू माय टायर्स राइट नाउ, टायर्स का हालत देखो, पूरा थ्रेड निकल गया, ये देखो मैगजीन है एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ माई टायर्स, पूरा का पूरा थ्रेड निकल चुका है, पूरा का पूरा थ्रेड निकल चुका है। तो अभी इसको करते हैं चेंज एंड फिर मिलते हैं, चलो बाय बाय। अपना होगा अभी टायर्स चेंज, ये हट के लगेगा अपना मेट्रो का टायर्स, सो चलो। पूरा का पूरा थ्रेड निकाल दिया, एनीवेज मजा आया, डन टायर्स लग गया। तो चलिए रुबुलदा, दिस इज माय ओल्ड टायर्स, मैगजीन का इधर ही रह जाएगा, रहने देते। सो एनीवेज ऑल वर्क डन, चलते हैं अभी बाइक जोन। ओके रुबुलदा बाय बाय, बारिश आ गया, बाय बाय अंकल जी, बाय बाय चलते, थैंक यू, डिस्काउंट नहीं किया। एनीवेज सो बारिश आ गया, आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू व्लॉग राइट नाउ। 1 hour later. राइट नाउ इन द सर्विस सेंटर, KTM सर्विस सेंटर मालीगांव। हुआ कुछ ऐसा कि लाइक टायर चेंज कर लिया, एवरीथिंग डन, फिर अचानक से ABS मिस मारने लगा एंड ABS फेलियर दिखाने लगा। सो आई गॉट जस्ट यू नो, बाइक का होता है ना कुछ भी प्रॉब्लम तो वी फील लाइक क्या हो गया क्या नहीं, तो उसको रिपेयर करना है। तो आई जस्ट कॉल्ड आकाश था, वो इज द यू नो वर्कर ऑफ आई गेस इज द मैनेजर ऑफ KTM सर्विस सेंटर मालीगांव। आई जस्ट कॉल्ड हिम एंड ही सेड कि एक काम करो लेके आ जाओ, लेट मी सी, बाइक इज देयर, खड़ा है उधर, यू कैन सी बाइक उधर रखा हुआ है। सो लेट्स होप सब ठीक हो जाए, अभी आकाश दा को देंगे चाबी, आकाश दा इज डीलिंग समन, आकाश दा को चाबी देंगे, ही विल टेक द बाइक, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, होपफुली कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना निकले, बड़े परेशानी। सो मैंने आकाश दा को दिया, आकाश दा ने देखा एंड ही वॉज टेलिंग जो वाइल चेंजिंग द टायर क्या हुआ, बेसिकली जो ABS चैनल डिस्क है आई गेस राइट, सो वो आपका ख़राब हो गया था, लाइक वो बेंड हो गया था, तो उसको अभी चेंज किया एंड पीछे का ब्रेक शूज उसका राम नाम सत्य हो चुका था, तो वी चेंज इट दैट एंड राइट नाउ आई एम गोना हेड बैक टूवर्ड्स यू नो होम। सो बिल लेते आकाश दा से एंड फिर चलते, बाय बाय। श्योर आज आकाश दास एक सबक मिल गया कि लाइक ये सब बाइक्स एक्चुअली हर जगह पे नहीं छुआना चाहिए, बिग अच्छा खासा सबक मिल गया। एनीवेज आकाश दा थैंक यू, बाय बाय, अपना काम उड़ी लो, थैंक यू बाय बाय बाय। सो फाइनली गॉट माय स्टफ्स डन, हेडिंग टुवर्ड्स होम राइट नाउ एंड दादा आई सो बाय बाय, हेडिंग टुवर्ड्स होम राइट नाउ। आकाश दा ने यही बोला नेक्स्ट टाइम से जहाँ तहाँ टायर मत चेंज करना, क्योंकि दिस बाइक्स यू नो KTM का हर एक बाइक वैसा नहीं होता है, लाइक इस बाइक का मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट है फ्रॉम अदर बाइक्स ऑफ KTM एंड इसका काम वाम करने का चीज़ भी बहुत अलग होता है। सो हर कोई ये सब बाइक नहीं संभाल पाता है एंड आज मुझे और एक नया चीज़ सीखने को मिला कि लाइक इन नॉट इन डिफरेंट बाइक्स इन KTM का हर एक बाइक में नहीं, बट इसमें ये चीज़ है कि लाइक इसका जो ये आप ब्रेक लीवर देख सकते हो, इसका प्राइस आप सुनोगे तो पागल हो जाओगे, और सामने का ब्रेक शूज़ का प्राइस, बिकॉज दिस इज़ अ प्रीमियम बाइक ऑफ KTM, 390cc का बाइक है, सो ऑब्वियसली इसका बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। फालतू का मुझे ABS डिस्क चेंज करना पड़ा एंड ब्रेक शूज़ थोड़ा चले गए थे तो मैंने वो चेंज करा लिया, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो यही था आज का दास्ता, सुबह मैंने जैसे बोला था आई एम हैविंग हेडेक, मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया अभी, आई डोंट नो व्हाई, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है राइट नाउ एंड या दैट्स ऑल। सो वीडियो को अगर यहाँ तक देखे हो तो डू हिट द लाइक बटन, अगर
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ और डू कमेंट इट। सर जी हेलमेट किधर है? सर जी हेलमेट? हाँ सर हेलमेट तो उसके लिए तो नहीं देखा जाता ना सर, आप खुद लौके रखवा लो और आप अगर ऐसे करेंगे तो कैसा चलेगा सर, और वो भी आप पिलियन बिठा के चला रहे हो सर, ये तो गलत बात है सर। और हेलमेट आपका सेफ्टी के लिए सर, किसी और के लिए नहीं सर। हाँ सर ओके ओके कोई बात नहीं, फिर भी सर हेलमेट पहन लीजिए कीजिए आपका सेफ्टी के लिए सर। ओके सर राइट सेफ। Anyways, thank you for watching me. Till then, be passionate and ride safe. Bye-bye.